अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ऑल अबाउट रिव्यू में। और आज मैं आपके साथ जो रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ वो होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, क्योंकि आज फिर मैं आपके लोगों के साथ एक शैम्पू का लेके आई हूँ। बहुत ही जाना माना सा ब्रांड है और ब्रांड है जी लाइफ बॉय। और चलते हैं आज के इस वीडियो में, लाइफ बॉय का हम करते हैं फुल पोस्टमार्टम। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी लाइफ बॉय का हर्बल स्ट्रॉन्ग शैम्पू, जो कि बहुत ही कॉमन एक ब्रांड है और बहुत हर जगह इजीली अवेलेबल है। और वो लोग जो इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं और उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है, और जो लोग इसको बाय कर चुके हैं और रेगुलर यूज़ भी करते हैं तो उनके लिए भी वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज आपके साथ इसके तम पोस्टमार्टम करते हैं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है और आपको इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और आपके बालों के लिए अच्छा है या नहीं। तमाम सवाल के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। तो इनका क्लेम है कि यह आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, हर्बल स्ट्रॉन्ग है, मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा के साथ, और छोटा सा ये जार है, सस्ता सा प्रोडक्ट है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इस साइज़ की शैम्पू आपको 110 रुपीस में मिल जाती है। और जी इसकी जो इंग्रेडिएंट्स की बात करें, अप्लाई करने का तरीका वही है जो हर एक शैम्पू को यूज़ करने के लिए होता है। तो इंग्रेडिएंट्स की इसकी मैं आपके साथ बात करूं तो इंग्रेडिएंट्स इंतहाई नाकिस किस्म के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो लोग इंग्रेडिएंट्स के बारे में हाव नाव रखते हैं तो वो ख़ुद भी देख लें कि किस किस्म के इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं और कितने ही ये जी आपके बालों के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं जो आपके बालों को किसी तरह से भी मतलब स्ट्रेंथन नहीं करते या ब्लैक नहीं करते, शाइन नहीं देते जी। तो सबसे पहले इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट यूज़ किया गया, जो इंतहाई दर्जे का घटिया किस्म का एक इंग्रेडिएंट है, जो कि हर एक जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, फेस वॉश हो वो, चाहे शैम्पू हो, चाहे वो सर्फ है, चाहे वो आपका डिश वॉशर है, उन सब में यूज़ होता है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज के साथ यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसका काम फोम बनाना होता है और साफ करना होता है। जितने भी ये शैम्पू जो आपको लगता है आपके बालों को बहुत साफ़ कर दिए इन्होंने, इनके अंदर सिर्फ ये सोडियम लॉरेट सल्फेट यूज़ होता है जो सिर्फ सफाई का काम करता है, लेकिन इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके बालों की रूट्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, खुश्की आना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डल होने लग जाते हैं, ड्राई होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स इस एक इंग्रेडिएंट्स, ये एक शैतान की आंत है जो कि ये मसले करता है। तो आगे मुझे लगता है कि जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ही इंग्रेडिएंट जो है ना वो आपको मैंने बता दिया। तो आगे आप समझ सकते हैं कि किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स मज़ीद यूज़ किए जा चुके हैं इसके अंदर, और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल इसको यूज़ करना छोड़ दें आप, ये किसी भी तरह से आपके बालों के लिए सूटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर आपको अपने बालों से प्यार है तो इसको यूज़ हरगिज़ ना करें। मेरा इनको यूज़ करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर सकूं, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और आप लोगों को सच्चाई के बारे में बता सकूँ, और आप लोगों को जो है ना डैमेज और ड्राई डल आपके बालों को मज़ीद ख़राब होने से भी बचा सकूँ। तो ये मेरा बस एक वजह होती है इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को बाय करने की और फिर उनको यूज़ करके देखने की भी कि किस किस्म के प्रोडक्ट हैं, कैसा इफ़ेक्ट करते हैं और किस आपको अच्छे सूट करेंगे या नहीं। तो वो इंग्रेडिएंट से भी इंसान को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट को जब तक इंसान यूज़ ना करे तब तक ठीक से रिव्यू नहीं दे सकता। ये तो था आज का मेरा रिव्यू, इसको बिल्कुल मत यूज़ करें।
कोई और शैम्पू देख लें बाद मार्केट में जिसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स हों वो बाय करें, अदरवाइज़ मेरे चैनल को विज़िट कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।